मैं हूँ रेहान खान गुरबो तालेबू के। जैसे फेस्टिवल ए ग्रेड है गुरबो में, उसी तरह मिर्ची एफएम नंबर वन है गुरबो में। एलिन लटका में मिर्ची एफएम को लॉक कर दिया जाए, मिर्ची एफएम इट्स हॉट। हम नकासी से सायमान है, हमारा फेस्टिवल जैसे नंबर वन है वैसे मिर्ची एफएम नंबर वन है। माय नेम इज दिनेश, हम नेंडी में काम करता है स्लीपिंग जॉइंट जिपलाइन में, और मिर्ची एफएम इज हॉट, आई लाइक इट। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। प्राइम मिनिस्टर बोरेंगे बैनी मारामा ने उन रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण की है जिसके तहत कहा गया था कि उन्होंने इसी साल जून में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जोन की को फीजी के दौरान हार्ड टाइम दिया था। ऑकलैंड में आज सुबह ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सिंपोजियम मीटिंग में उन्होंने कहा कि यह काफी दुख की बात है कि ओवरसीज मीडिया को पिछले महीने ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल फोरम में उनका स्पीच डिसरेस्पेक्टफुल लगा था। प्राइम मिनिस्टर बोरेंगे बेनी मारामा का कहना है कि वो तथा उनके न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट जोन की अच्छी बनती है और वे ऑनेस्ट डिस्कशंस की सराहना करती हैं। बेनी मारामा और जोन की के बीच दूसरा बायलेटरल मीटिंग शनिवार को वेलिंगटन में होगा। शुगर सेक्टर में और भी काम की जरूरत है ताकि यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोजेक्ट अपना गोल्स हासिल करता रहे। ईयू प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी ने आज लोथोका में सुबह एक सभा की ताकि देखा जा सके कि किन इलाकों में सुधार की जरूरत है। मीटिंग को चेयर करते हुए फीजी के लिए ईयू के एम्बेसडर एंड्रू जेकब्स ने कहा कि बातचीत के बाद काफी प्रोग्रेस हुआ है और कमेटी अगले साल अप्रैल में फिर से मुलाकात करेगी ताकि देखा जाए कि जितने गोल्स पर बातें हुई उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने फीजी में एक यादगार परफॉर्मेंस दिया है। नांदी शो में फैन स्टेज पर झूम रहे थे और नाच रहे थे। कई सौ की संख्या में लोग प्रिंस चार्ल्स पार्क में मीका सिंह का शो देखने गए और मीका सिंह ने भी लोगों को निराश नहीं किया। सिंह और भी कॉन्सर्ट्स करने के लिए फिजी वापस आना चाहते हैं। और खेलकूद की खबरों में फिजियाना 15 रग्बी टीम नवंबर में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए लगातार तैयारी कर रही है। ओशिनिया से दो क्वालिफायर्स 12 टीम वर्ल्ड कप लाइनअप को पूरा करेंगे जो अगले साल अगस्त में होगा। फिजियाना वीमेंस 15 और पीएनजी के बीच खेल अगले महीने 5 को आईएनजेड स्टेडियम सुबह में होगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन समाचारों के लिए मिर्ची एफएम और रेडियो फिजी 2 भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है, हमारे कोरवांगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय वनीबाउ के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।